गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दूसरा पुराना मतलब ब्लॉग को एंड करने के बाद मैं शूट करने वाली हूँ ये अपना एक नया ब्लॉग। तो आज है सैटरडे एंड 2 तारीख 2 जनवरी। तो मेरा सारा काम हो गया है, नहा धो के आई हूँ मैं, हेयर वॉश कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। मैंने हेयर वॉश आज इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे कल जाना है, कल 3 तारीख है, कल मुझे जाना है एंड सफ़र में फिर मैं गीले बाल लेके जाऊँ वो मेरे हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने आज ही हेयर वॉश कर लिया। एंड मैं यहाँ हीटर के पास बैठी हुई हूँ, जा रही हूँ लेकिन थोड़ा सा धूप लेने क्योंकि धूप से बहुत जल्दी बाल सूख जाते हैं, हीटर से उतना कुछ वो नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ, 2:45 बज गया है। खाना खाऊंगी पहले मैं, उसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ी सी धूप लूँगी आधा घंटा। उसके बाद एक मेरी फ्रेंड है, मतलब महेंद्र के फ्रेंड की वाइफ है, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई क्योंकि वो जब ओमिका पैदा हुई थी ना तब आई थी वो मेरे पास यहाँ पे, विद फैमिली सब लोग आए थे, उसका एक बेटा है एंड हस्बैंड वाइफ, तो सभी। वो एक्चुअली यहाँ पे ना लखनऊ आई हुई थी कल, तो मतलब 1 जनवरी को, तो वो आई हुई थी अपने कोई यूट्यूब के काम से। यस वो भी एक यूट्यूबर है एंड मुझसे बहुत अच्छी है, मतलब मेरे तो अभी सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं है, उसका चैनल मतलब मेरे से काफ़ी अच्छा है एंड बहुत मेहनत करती है वो। सो एक्चुअली वो जॉब भी करती है, घर भी संभालती है, यूट्यूब भी, तो या बहुत मेहनत हो जाती है। तो अभी वो आएगी, देखो अभी उसका श्योर नहीं है, ठीक है, अगर वो आती है देन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा एंड आप लोगों को भी मिलना हो जाएगा, और अगर वो किसी वजह से नहीं आ पाती है दैट्स ओके, कोई बात नहीं। तो फिलहाल मैं, मुझे आप लोगों के साथ में यही ब्लॉग शेयर करना है। तो मैंने ये वाला रूम भी अच्छे से कर दिया है, ओमिका गई है सामने पड़ोस में खेलने के लिए, आज उनके बेटे का बर्थडे भी है, तो 1 25 दिसंबर को था ना बर्थडे, एक आज बर्थडे है उनके बड़े बेटे का, तो वो सब चीज़ें हैं। आज बहुत ज़्यादा हैक्टिक वाला दिन है, मतलब बहुत ज़्यादा पैकिंग भी करनी है, बर्थडे में भी जाना है, मेरी फ्रेंड भी आ रही है, सो उसके साथ भी यू नो बातें सातें करनी है। सो यही ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, इंट्रो बहुत बड़ा हो गया है। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आता है प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड उसके चैनल का नाम है प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे। अगर आप लोग मतलब जानते होंगे, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर जानते होंगे क्योंकि मैंने एक बार और उनके बारे में बताया है, बट अगर जो लोग नहीं जानते हैं वो प्लीज़ जाके उनका चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अभी जब आएंगी तब आप लोगों से तो ज़रूरी मिलाऊंगी बिकॉज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो मिलाऊंगी ज़रूर। फिलहाल मैं जा रही हूँ खाना खा लूँ, बहुत तेज़ भूख लगी है। ओ गॉड, मेरे गाल देखो ब्रश कर रहे हैं, राइट हो गए हैं। सो यू नो सारा काम निपट गया है, बज गया है 4:30, महेंद्र भी आने वाले हैं एंड प्रज्ञा भी आने वाली है। एंड वो एक्चुअली बहुत बिजी थी तो मैंने बोला मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर दे रही हूँ, तो मैंने उसके लिए कैब बुक कर दी है एंड वो आ रही है, तो वो वहाँ से निकल दी है अभी। सो या कुछ चीज़ें लाइफ में कितना मतलब फर्स्ट टाइम होती है ना, जैसे कि मैंने ना वो ओला वाली वो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई की है, सो या फर्स्ट टाइम मैंने किया है एंड वो आ रही है, वो निकल दिया वहाँ से, आधा घंटे में आ जाएगी, आधा पौन घंटे में अगर मतलब जाम नहीं मिलता है तो। सो ओमिका से मिलवा दे, ओमिका से तो सुबह से मिली नहीं। ओमी हाय, कैमरा गंदा हो गया, क्या कर रही हो बोलो। हे गाइस, ओमिका देख रही है कार्टून, बोलो हैप्पी न्यू ईयर, बोलो ओमी, बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हाय, हम दे रहे हैं ना, रुको। हे गाइस, हाय गाइस, सी इज हियर फाइनली, कब से इंतजार कर रही थी मैं सुबह से। एग्जैक्टली चलो आ जा बेटू, ला तुम हमें दे दो कुछ ना। हाँ ठीक है भैया, है नहीं। सो गाइस प्रज्ञा आ गई है एंड हम लोग बस गपशप कर रहे हैं, वो चिक्की खा रही है, लखनऊ की फेमस गजक और चिक्की यही होती है। एंड इसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो हम लोग जब फर्स्ट टाइम मिले थे सब कुछ मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, एंड बस हम लोग मस्ती कर रहे हैं। सो हम मैं भी बोल देती हूँ, हाय गाइस वेलकम बैक टू हर चैनल। मेरा भी ब्लॉग कंटिन्यू है, उसमें इसका इंट्रो कराऊंगी मैं, इसने मेरा इंट्रो करा दिया होगा ऑब्वियसली। एंड हम लोग कैसे फ्रेंड्स हैं, हम लोग ऐसे फ्रेंड्स हैं कि हम दोनों के हस्बैंड फ्रेंड्स हैं बचपन के, और हम लोग
लोग उसके बाद फ्रेंडशिप हुई हमारी। और जब मैं इसे पहली बार मिली थी मेरी शादी नहीं हुई थी। हाँ, बांदा में, बांदा में मिली थी तब मेरी शादी नहीं थी, इसकी हो गई थी। नई नई शादी हुई थी जब, मतलब हम दोनों हस्बैंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तब हम तब मतलब मैं ये सोच रही थी यार कि हम लोग दोस्त नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसका नेचर बहुत अलग था और हमारा बिल्कुल एकदम, मतलब तब हमारा नेचर ऐसा था कि हम सबसे बात नहीं कर पाते थे। रिजर्व नेचर की थी, अभी भी है, अब उतने नहीं है यार। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं इससे पहली बार यहाँ आ रही थी, मेरे हस्बैंड ने बोला था लास्ट समर वेकेशन में कि चलते हैं। मुझे था यार ये एक नंबर की घमंडी है, क्या इसके क्योंकि मेरे माइंड में ना वो पहली वाली इमेज थी कि बोलती नहीं है, मैं क्या बात करूंगी, ये बात ही नहीं करती है। लेकिन फिर जब मैं आई, इसका जस्ट उस टाइम पे सिजेरियन हुआ था, बाबू हुई थी, 1 मंथ की भी नहीं हुई थी। हो गई थी, हो गई थी। बट ये भैया माता रानी है, ये सब काम करती थी अपने घर का, कोई मेड नहीं, कोई कुछ नहीं, झाड़ू पोछा बर्तन सब करती थी। और जो इसके हस्बैंड है भैया, इतने सपोर्टिव है, वो इतने सपोर्टिव है कि इसको सुबह उठ के चाय वाय बना के देते थे। वो बाबू बहुत छोटा था तब। तो लेकिन पता है जब प्रज्ञा ने बोला तुम यार कंचन चल कैसे पा रही हो, तुम कैसे काम कर रही हो, तो फिर हमको ये लगा कि हम फिर हम इनके पापा से लड़े, ओमिका के पापा से, हमें मायके जाना है। प्रज्ञा देखो प्रज्ञा क्या कह रही है, तुम चल कैसे रही हो, हमको मायके जाना है। लास्ट में यार जिसका अभी अभी सिजेरियन डिलीवरी हुई हुआ और ये भैया मैडम बेल्ट लगा के और सब काम कर रही है, और मैं कहती थी हाय हाय, जब मेरा हुआ था मैं तो ऐसे झुक के बुड्ढी हो गई थी, और ये कैसे काम करती। फिर मैंने इसको समझाया कि रेस्ट करो, काम मत करो ऑल ओवर जिंदगी के लिए, फिर तुमको प्रॉब्लम होगी। फिर इसने रेस्ट, मैडम ने थोड़ा सा उसमें भी बोल रही थी मेरे हस्बैंड को, भैया आप हटो मैं आलू के पराठे बनाती हूं। अच्छा बताओ, एक दिन के लिए ये लोग आए थे और पराठे बना के खिलाने लगे, मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, सब अच्छा तो लगता है, हमें आप बिस्तर पर लेटे और इन दोनों लोग ने पराठे बना के खिलाए। ओके तो फ्रेंड्स, प्रज्ञा का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे नाम भी बता दे रही हूँ, तो उसका यूट्यूब चैनल है, आप प्लीज जाके सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। मेरे उतने सब्सक्राइबर तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी आप लोगों से, आप लोग प्लीज इसको भी जाके सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जैसे मुझे जो लोग प्यार करते हैं वो इसको भी प्यार दें जाके। मतलब जो मेरा व्लॉग है जिसमें मैं इसको इंट्रो कराऊंगी, वो वाला व्लॉग आप जरूर देखिएगा। एंड उसके बाद जो ऐसा कुछ नहीं है, कम है, मेरे भी बहुत कम थे पहले, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स है वो इसको सपोर्ट करेंगे और इसके मुझे करेंगे, दैट्स इट। जी बिल्कुल, चलिए तभी हम लोग चाय वाय पी लें, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड नाइट। बहुत ज्यादा मिन्नतों के बाद इनको बैठाया है मैंने इनकी अपर लिप बनाने के लिए, और आप इनकी हालत देखो और इनका मुंह देखो। जब ये है तो इसको जला लो ना, हटाना पड़ेगा ना फिर, इसलिए टीवी। अच्छा रख दो, मेरे रुक जाओ, परेशान नहीं करो, ये दो मम्मी। लो इसको पकड़ो, अभी अभी फ्रेंड अभी मेरे
हाँ उसे देखो, अपनी मम्मा को फूको नहीं आ रही है, इतना प्यार है इसको। हाय 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 हाय, बड़ा प्यार है भाई। ऐसे करो, वैसे मोस्टली निकल गई है, इधर भी निकालनी है बस। इनको देखने लायक है। तो गाइज अभी बन गया है इनका। ओके सो गाइज अभी इनका निकल गया है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही निकल गया। अब इनका फेशियल करना है, तो चलो अब इनका फेशियल भी कर देते हैं। इनको कल जाना है ना अपने ससुराल मायके, तो चमकना तो पड़ेगा, जरूरी है। तो ये देखो मैडम कैसे क्लीन कर रही है अपना। अरे भैया इनकी आवाज सुनिए, जब ये निकलवा रही थी मैंने कहा यार इतना तो मुझे भी नहीं लगता, तुमको नहीं लगता ऐसे? इतना नहीं लगता है, थोड़ा तुम्हारी स्किन बहुत पतली है ना, इसलिए तुम्हें ज्यादा लगता है। दिखाओ, हो गया पूरा क्लीन है, पूरा क्लीन हो गया। अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ, 11 बजने वाला है, 10:45। और अभी हमारी पैकिंग, मतलब मेरी पैकिंग चल रही है, इनकी तो पैकिंग है ही। सुबह हम लोग को जल्दी निकलना है, तो बस फेशियल और करवा ले प्रज्ञा से। वैसे तो मुझे खुद ही करना पड़ता, बट अब प्रज्ञा है तो प्रज्ञा अच्छे से कर देगी, बिकॉज एक्सपर्ट है ये तो। मतलब मुझसे तो उसे यार है ही ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो अभी जल्दी से पैकिंग भी निपटा लेते हैं, उसके बाद फेशियल करना है। कौन सा फेशियल? वो लैक्मे का है, लैक्मे का फेशियल है। वाओ, मैं पहली बार करने वाली हूँ, एंड उसके बाद आप लोगों के साथ मैं उसका रिव्यू भी शेयर करूंगी, कैसा है, कितना काम करता है। मैंने एक्चुअली पता कभी करवाया थोड़ी है, शादी में करवाया था, उसके बाद एक बार ये भी क्लीन अप लिया था। बड़े आदमी, बड़े बड़े आदमियों को मैं दिखाती बड़े आदमी कैसे होते, देखो बड़े आदमियों के पैसे ऐसे पड़े रहते हैं। ये इतने बड़े आदमी हाँ, और इनकी बच्ची 1 2 3 कर करके मुझे घर से बाहर निकाल ली। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अब कहाँ, इसके आगे कहाँ। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग को लेट हो रहा है क्योंकि, तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को मैं इधर ही एंड कर दे रही हूँ, एंड कल से एक नया ब्लॉग शूट करूंगी आप लोगों के साथ में, जो कि जर्नी ब्लॉग रहेगा हमारा। एंड और गाइस, जो फेशियल का है वो प्रॉपर हम फेशियल का आपको शेयर कर देगी ये, मतलब प्रॉपर वीडियो हम शूट करेंगे कि हाँ हाउ टू डू, घर में होम फेशियल कैसे करें, लाइक दैट। हाँ, इसको मैं इधर ही एंड कर रही हूँ, एंड आप लोग प्लीज अगर पसंद आ जाए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मेरी फ्रेंड्स से तो आप लोग मिले ही हैं, इसका भी चैनल प्लीज जाके सब्सक्राइब जरूर करना, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे बेल विसर हैं, वो तो डेफिनेटली करेंगे। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।